Hi guys, today we are going to discuss about the therapeutic agents. So हमारे कौन से एजेंट्स होते हैं जो हमारे therapeutic drugs या फिर drugs therapeutic drugs को जो है वो बनाने में help करें या फिर उनका effect उनको body में transfer कराने के लिए help करें, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, therapeutic agents हो जाते हैं। तो हमारे काफी सारे nucleic acids हैं जो कि हमारे therapeutic agents की तरह जो है वो work करते हैं। उनमें से कुछ जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसेंस आरएनए के बारे में। तो अगर हमें किसी भी एंटीसेंस आरएनए को इफेक्टिव बनाना है एज अ थेरापेटिक एजेंट, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा एंटीसेंस आरएनए है वो स्पेसिफिकली हमारे किसी एमआरएनए पे बाइंड करे और उसके ट्रांसलेशन जो है वो प्रिवेंट कराए। अगर वो ऐसा कराने में फुलफिल होता है कि वो किसी एमआरएनए पर बाइंड करे और उसकी ट्रांसलेशन नहीं हो रही, तो वो एक इफेक्टिव थेरापेटिक एजेंट की जरह जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट इज अ राइबोसाइम्स। राइबोसाइम्स हमें पता है कि हमारे नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स आरएनए के। 40 to 50 जो है इनकी लेंथ होती है, 40 to 50 न्यूक्लियोटाइड। इनमें सेपरेट कैटालिटिक होती है, सब्सट्रेट बाइंडिंग डोमेन इनमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम में। और जब हम अगर ये जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स इवोक करते हैं, किसमें ट्रीटेड एनिमल्स और ह्यूमंस में जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स दिखाते हैं हमारा। अब इनकी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग डोमेन है, अगर वो किसी भी अपने न्यूक्लियोटाइड के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जो कंबाइन करेगी और जो अपना टारगेट सीक्वेंस है उसके साथ वो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो वो कंबाइन करती है, मतलब एक तरफ अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के साथ जो कंबाइन करेगी और दूसरी तरफ जो उसका टारगेट सीक्वेंस है उसके साथ वो नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा जो राइबोसोम है हमारा। इसका जो कैटालिटिक पोर्शन है वो किस में हेल्प करता है कि क्या कहते हैं हम जो हमारा टारगेट आरएनए है उसको क्लीव कराता है वो, मतलब उसको तोड़ने में जो है वो हेल्प कराता है स्पेसिफिक साइट से। अब हम इसका ऑल्टर करते हैं राइबोसोम का, तो एक हम कोई भी एमआरएनए सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड कर सकते हैं। अगर हम इसकी ऑल्टरिंग कराएं राइबोसोम की, तो हम अपनी जो हमें एमआरएनए सीक्वेंस चाहिए वो हम इंजीनियर्ड करा सकते हैं। उसमें से जो हमारे इसके हैमर्ड और हेयर पिन स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स के, वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज किए जाते हैं हमारे थेरापेटिक पर्पसेस के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा वो हैमर हेड जो स्ट्रक्चर है इसका राइबोसोम का, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू हेयर पिन। उसकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है, उसका क्लीव कराने की जो कैपेबिलिटी है डिफरेंट एमआरएनएस को वो भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टामर्स के बारे में। एप्टामर्स क्या है? हमारे न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस कह लो आरएनए और डीएनए के, जो कि हमारे किस पे बाइंड करते हैं, प्रोटीन्स पे, अमीनो एसिड्स पे, ड्रग्स पे, या फिर और भी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं उन पे वो बाइंड करते हैं। तो एप्टामर्स क्या है? हमारे न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस होते हैं आरएनए और डीएनए के, जो कि हमारे प्रोटीन और अमीनो एसिड्स पे जो या ड्रग्स पे या और भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं उन पे बाइंड करते हैं। ये हमारे 15 to 40 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो कितने थे हमारे जो हमारे राइबोसोम्स थे? राइबोसोम्स हमारे 40 to 50 थे, और जो हमारे ये एप्टामर्स हैं ये 15 to 40 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इनका हाईली ऑर्गेनाइज सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है। इनकी भी जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है टारगेट मॉलिक्यूल से बाइंड करने की। अब ये हमारे एज अ एजेंट क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पेसिफिसिटी, रिलेटिव ईज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है, लोअर नो इम्यूनोजेनिसिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। अब हम इसको किसी भी अगर स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे एक प्रोसीजर से सिलेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेलेक्स। सेलेक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक प्रोसीजर है अगर हमें इसे एप्टामर को किसी भी किसी के अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट के अगेंस्ट जो हमें वो टारगेट कराना है, तो हम एक सेलेक्स प्रोसीजर होता है उसके थ्रू जो है इसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एप्टामर जो है हमारा वो टारगेट किया जाएगा। अगर एप्टामर्स को हमें लेस सेंसिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर हमें उनकी न्यूक्लियस डाइजेशन नहीं करानी तो हम क्या करेंगे, जो ओएच रेसिड्यू होता है हमारा 2' प्यूरिन पे, उसको हम रिप्लेस करा देते हैं किससे, 2'-O-मिथाइल रेसिड्यू से। किससे रिप्लेस कराएंगे? 2'-O-मिथाइल रेसिड्यू से जो है वो OH को रिप्लेस करा देंगे। 3' पे जो है वो डी ऑक्सी थायमिडीन रेसिड्यूज का जो है वो कैपिंग करा देंगे। यूजुअली हमारा ए का होता है, लेकिन हम किसका कराएंगे, डी ऑक्सी थायमिडाइन रेसिड्यूज का जो है वो कैप्ड करा देंगे जिससे न्यूक्लियस डाइजेशन ना होता है।
हमारे काफी सारे एप्टमर्स जो हैं वो जनरेटेड होते हैं अगेंस्ट वेरियस प्रोटीन्स। हर प्रोटीन्स के लिए अलग अलग जो है वो एप्टमर्स जो है वो जनरेट किए जाते हैं। अब हम उस प्रोसेस के बारे में, तो हम सेलेक्स की बात कर लेते हैं जो हमारा प्रोसेस होता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे, सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ लीजेंड बाय एक्सपोनेंशियल एनरिचमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ लीजेंड बाय एक्सपोनेंशियल एनरिचमेंट। तो हमारे होते क्या है, हमारे डीएनए और आरएनए लीजेंड्स होते हैं जो कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स पे जो है वो बाइंड करते हैं। अब हम कोई भी रैंडम डीएनए सीक्वेंस ले सकते हैं और उसकी जो है वो क्लोनिंग कराते हैं। कोई भी हमने रैंडम डीएनए सीक्वेंस लिया, उसके हमने क्लोनिंग कराते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा जो 3' एंड है वो हमारा किसके लिए होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। मतलब 3' एंड जो हमारी वो अटैचमेंट साइट होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए, और जो 5' है वो हमारी किसके लिए होगी? पीसीआर प्राइमर के लिए। तो अगर हम जो है वो डीएनए को आरएनए में भी जो है वो कन्वर्ट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीटीआरएनए पॉलीमरेज, मतलब हम उसमें टीटीआरएनए पॉलीमरेज डाल देंगे डीएनए में, तो उससे क्या होगा कि वो आरएनए में जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारे सेवरल राउंड्स हैं बाइंडिंग के, पार्शनिंग के और एम्पलीफिकेशन के, ये जो हमारे सिलेक्टेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही सॉरी सिलेक्टेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का ही जो है ये हमारे राउंड्स कराए जाते हैं, उनकी बाइंडिंग, उनके पार्शनिंग, उनके एम्पलीफिकेशन। मतलब जो हमारे डीएनए सीक्वेंस लिया उसमें से कुछ सिलेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हम वो लेंगे और उनका जो है ये बाइंडिंग, पार्शनिंग और एम्पलीफिकेशन कराएंगे। तो जो हमारा एंड रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है कि उससे हमें एप्टमर मिल जाता है जो हमें बाइंड कराना होगा। तो हम एंड रिजल्ट बेसिकली क्या हो गया हमारा कि हमें वो एप्टमर मिल जाता है जो हमारा बाइंड करेगा विद द हाई स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट इज आर नेक्स्ट एजेंट इज पैगनिप। इसमें टी जो है हमारा वो साइलेंट है, तो क्या बोलेंगे हम इसे? पैगनिप। पैगनिप जो है हमारा ये ह्यूमन थेरेपेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है। 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है ये हमारा, और ये टारगेट किस पे करेगा? हमारा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ हार्मोन VEGF पे जो है ये टारगेट करता है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारी न्यू ब्लड वेसल्स की जो ग्रोथ है उनको प्रमोट कराता है, जो कि हमारी किससे बनी होनी होती है? एंडोथेलियल सेल से। अब एंडोथेलियल सेल जो है हमारे वो सिर्फ वॉल ही नहीं बनाते ब्लड सेल्स की, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्ट में भी जो है वो हेल्प कराते हैं। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी हमारे जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं वो हेल्प कराते हैं। तो पैगनिप के बारे में इतना ही था। नेक्स्ट इज आर एंटीबॉडी जीन्स। अब हमें पता है कि हमारे जो एक्वा कल्चर में फिश का लॉस हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। सब मेजर जो प्रॉब्लम है इस वक्त एक्वा कल्चर के साथ, अगर उसमें फिश का जो लॉस हो रहा है वो हमारा बेसिकली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो अगर हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट करने जाएं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और इफेक्टिव नहीं है उतना। तो इसका एक में क्या सोचा गया कि हम एक ऐसी फिश बनाएं, मतलब हम ऐसी फिशेस बनाएं ट्रांसजेनिक जो कि हमारी एंटीबॉडीज बनाए उसके अगेंस्ट, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, जो भी हमारा बैक्टीरिया या वायरल है या कोई और भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट करा सके। अब हम अगर कोई प्योरीफाइड एंटीबॉडी डालते हैं उसके अंदर, वो हमारी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, या कह लीजिए इतना हम उसका एडवांस यूज नहीं करा पाएंगे जितना कि अगर हम वो डीएनए ही डाल दें जो इस एंटीबॉडी को एनकोड करता है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम वो डीएनए ही जो है वो इंसर्ट करा देते हैं उस फिश के अंदर जो कि उस एंटीबॉडी को जो है वो एनकोड करता है। तो ऑब्वियसली बात है जो एनिमल सिंथेसाइज करेगा खुद उस एंटीबॉडी को वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू, तो हम किसी और एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं वही सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने के लिए, तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। सपोज एक एंटीबॉडी आप खुद बना रहे हो, बना आपकी बॉडी खुद बना रही है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी या फिर जो हम बाहर से दे रहे हैं? ऑब्वियसली बात है जो हमारी बॉडी खुद बना रही है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, जबकि जो बाहर वाली है वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। तो यही जो है देख माना गया कि हम उस डीएनए को ही जो है वो डाल दें उस फिश के अंदर जो उस एंटीबॉडी को एनकोड कराता है, ताकि उसे किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। लास्ट इज आर लास्ट थेरापेटिक एजेंट इज न्यूक्लिक एसिड डिलीवरी। अब सबसे इफेक्टिव तो वो तभी होगी जब वो करेक्ट जगह पे जो है वो डिलीवर हो। अब वो डिलीवरी किसी और टिश्यू में हो गई या किसी और ऑर्गन में हो गई तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी इफेक्टिवनेस दिखाई ही नहीं देगी। तो अगर हम सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन कराते हैं तो वो जो है वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो टारगेट टिश्यू पे नहीं जाती जहाँ उसे रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, अगर वो किसी और टिश्यू में चली गई, वहाँ वो उसने कुछ गलत काम कर दिया,
तो हमें साइड इफेक्ट्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो कई बार वो हमारे सीरियस भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को एंड करने के लिए हमारे वायरल वेक्टर्स डेवलप किए गए जो कि हमारे स्मॉलर न्यूक्लिक एसिड्स को जो है वो डिलीवर कराएंगे टू स्पेसिफिक सेलुलर टारगेट्स। तो वो सिर्फ हमारे स्पेसिफिक सेलुलर टारगेट्स पे ही जो है वो डिलीवर करेंगे, वरना वो वहाँ पे डिलीवर करेंगे ही नहीं अगर वो स्पेसिफिक ना हुआ तो। इसके काफ़ी सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी अराइज हुए इस वेक्टर्स को यूज़ करने के लिए, और हमारे काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं इनको डिलीवर कराने के लिए किसी भी न्यूक्लिक एसिड को एनिमल सेल में। उनमें से कुछ जैसे कि हमारे हुए इंट्रावेनस इंजेक्शन, हम इंट्रावेनस इंजेक्शन की हेल्प से उनको जो है वो डिलीवर करा रहे हैं, या फिर लोकल इंजेक्शन हो गए एट अ साइट ऑफ पैथोलॉजी। थर्ड है हमारा पैकेजिंग इनटू कैटालिटिक लाइपोसोम्स, मतलब हम लाइपोसोम्स जो हैं उनमें जो है उनका पैकेजिंग करा दें। फिजिकल मेथड जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोपोरेशन हो गए, सोनोपोरेशन हो गए, या फिर हाइड्रोडाइनेमिक प्रेशर से हमारे कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डिलीवरी के लिए न्यूक्लिक एसिड्स की, और हम उसको केमिकली कॉन्जुगेट करा दें किसी और अनदर मॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड को। तो ये जो हमारे वो कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को डिलीवर कराने के लिए एनिमल सेल में, स्पेसिफिक एनिमल सेल में। तो ये थे हमारे थेरापेटिक एजेंट्स। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।